तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप फ्री फायर में एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग नेम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर अभी आप देखो इस वाले आईडी में अभी यहां पर जो नेम है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं इससे भी बड़ा आपको नेम लिख के दिखाऊंगा जो यहाँ पर मतलब आएगा भी नहीं। यहाँ पर जो आप नेम देख रहे हैं वो नेम इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मतलब लाइन के बाहर आना जाना हो जाएगा इसका। जैसे नेम जो है ना वो घूमते रहते हैं ना आगे पीछे, तो वैसा एक बहुत ही बड़ा आप एक लॉन्ग नेम कैसे अपने आईडी में डाल सकते हैं, कैसे वो लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने नेम का स्टाइल लॉन्ग रखना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करने अपने मोबाइल फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र। तो चलो अभी मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लोगे उसके बाद आपको सिर्फ सर्च में यही लिखना है FSY, उसके बाद नीचे में एक आपको सजेशन मिल जाएगा FSYMBOLS। तो आपको सिंपली इसमें चले जाना है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री फायर के बहुत सारे नेम्स मिलेंगे। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बस आपको अपना नेम एंटर कर लेना है जो आप फ्री फायर में रखना चाहते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ अपना नेम, मैंने ये रख लिया। यहाँ पर चलो यहाँ पर मैं YT कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो बहुत सारे अलग अलग नेम आ गए हैं, मैं बस ऊपर में अपना जस्ट नाम लिखा। अब ये जो बहुत बड़ा बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा फ्री फायर में सपोर्ट नहीं करेगा। आप ट्राई करके देख लेना, मतलब इसको कॉपी करके उसमें डालना, और अगर सेव हो जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता। मैं बहुत बार ट्राई करके देखा हूँ। ये कलर वाला भी फ्री फायर में नहीं चलता क्योंकि वो कलर सपोर्ट ही नहीं करते। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो नेम, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ये बड़ा है और इससे भी बड़ा, चलो आपको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर शायद नहीं है, इससे बड़ा आपको नेम नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत बड़ा है वैसे, और जो नेम है ना यार, अभी आप और भी बड़ा इसको कर सकते हो। मैं अभी छोटा ही दिखाऊं, मतलब आपका नेम अगर बड़ा है तब तो और भी अच्छा है, और भी बड़ा आएगा। तो अभी चलो हम फ्री फायर में चलते हैं, इसको कॉपी करना है बस आपको। तो जैसे ही आप फ्री फायर में आ जाते हैं आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड वाले ऊपर के प्रोफाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने नेम के बगल में एक आइकन मिलेगा उसमें क्लिक करना, और नेम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर चलो अभी हम पेस्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर नाम आ चुका है, और बीच में यार मेरे ख्याल से स्पेस नहीं है। ये देखो स्पेस नहीं आ रहा बीच में, मतलब बीच में गैप होना चाहिए ना, तब तो नाम पता चलेगा अलग अलग है। तो स्पेस को लाने के लिए आपको वापस से क्रोम ब्राउज़र पे आना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च कर देना है यूनिकोड, मतलब UNI लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूनिकोड 3164, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बस ये सर्च करो, उसके बाद ये आएगा, इसमें क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये जो बॉक्स है ना, ये स्पेस है, इसको ऐसे छू के रखना, मतलब लॉन्ग प्रेस करना, कहने का मतलब है इसको छू के रखोगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, इसको छू के रखना कॉपी का ऑप्शन आएगा। अब आपको वापस से फ्री फायर पे जाना है। तो अभी जो है यार मैं वापस से फ्री फायर पे आ गया। अब यहाँ पर जो है ना, आप नेम के बीच में जो स्पेस डालना चाहते थे ऐसे करके आप पेस्ट कर देना, मतलब यहाँ पर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना, फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो अब जो है नेम के बीच में स्पेस आ चुका है। तो ऐसे करके मैं अपना जो है नाम भी यहाँ पर फिर से चेंज कर सकता हूँ, और बड़ा नेम काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने नेम का जो स्टाइल है उसको लॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, आपका नेम चेंज हो जाता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी ऐसे फ्री फायर के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।